ये जो टॉपिक है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स डिग्री लेवल ट्रिगो का है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। जैसे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण के आधार पर जो रूट्स निकाले जाते हैं उसी रूट्स पर आधारित ये टॉपिक है। यानी टू प्रूव सेक 2π/7 जोड़ सेक 4π/7 जोड़ 6π/7 बराबर -4 लाना है। तो यहाँ पर जैसे मान ली कि ये रूट्स इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे द्विघात समीकरण में ax² जोड़ bx+c बराबर 0, तो हमेशा दो गो रूट्स देते हैं। इसी तरह से ax³ जोड़ bx² cx+d बराबर 0, ये तीन गो रूट्स देते हैं, उसी रूट्स पर ये आधारित है। चलिए हम लोग देखते हैं। विनोद है, हम लोग जानते हैं कि 4√8x³ जोड़ 4x² - 4x - 1 बराबर 0, ये आपको रूट्स देगा। अब रही बात कि हम क्या कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं चूंकि sec x बराबर 1/cos x, चाहे आप इसको कॉस एक्स के फॉर्म में भी इसको मान सकते हैं, चाहे सेक एक्स के भी फॉर्म में इसको मान सकते हैं। तो इस आधार पर अब हम लोग को देखना है, जैसे सेक एक्स बराबर लिख दिए हैं कॉस एक्स, अब यहाँ पर आपको देखना है सेक एक्स है तो मान ली कि सेक 2π/7 तो ये हो जाएगा 1/cos 2π/7। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं 1/ये x है तो ये हम इसको हम y कह लेते हैं, तो ये हो गया y बराबर 1/x, इसलिए x बराबर 1/y भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, सभी x के जगह पर 1/y रख देते हैं, क्योंकि ये y वाला फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 8/y³, 4/y² 4/y - 1 बराबर 0, इसको हम बटा बके जोड़ कर लेते हैं, जोड़ घटाओ, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा y³, इससे इसमें भाग देंगे 8, इससे इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4 y, आप इसमें भाग दीजिएगा तो 4y² यहाँ पर हो जाएगा y³ बराबर 0। इसको ऐसे कर दीजिए, 8 जोड़ 4y - 4y² - y³ बराबर 0, इसको सीधा करके लिख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y³ + 4y² - 4y - 8 बराबर 0। इस तरह के फॉर्म में आ गया आपका, ये सब इसमें रख दिए थे, इस तरह के फॉर्म में हम लोग इसको बना लिए हैं। अब क्या करना है, नाउ सेक 2π/7 जोड़ सेक 4π/7 जोड़ सेक 6π/7 बराबर सम ऑफ रूट्स एबव इक्वेशन। इस तरह के फॉर्म में अब हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह के चाहेंगे तो आप इस तरह के माइनस में भी इसको रहने दे सकते थे, ठीक है ना, या ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते थे, या इस रूप में माइनस वाला करके भी हम लोग लिख सकते थे। तेलंगाना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y² / कोएफिशिएंट ऑफ
OIQ। तो आप लोग देखिएगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यानी आप लोग पढ़े होइएगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बाई ए, तो यही हो गया। जैसे अल्फा जोड़ बीटा यानी इस तरह के फॉर्म में जो लिखते हैं ना, अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी ए हो गया माइनस 4 बाई ए, तो यही हो गया आपका सेक 2π/7 जोड़ सेक 4π/7 जोड़ सेक 6π/7 बराबर माइनस 4, यही आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये जो प्रश्न था ये सोल्व हो चुका है। आप लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये जो ट्रिगोनोमेट्री का जो रूट्स निकालने के लिए यहाँ पर जो फार्मूला जो दिया गया है, जो इसका डाटा दिया गया है, उसी डाटा पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह से मानकर जो फार्मूला दिया होगा एक्स के फॉर्म में दिया होगा, आप वाई मानिएगा तो वाई के फॉर्म में लेकर फिर अगर जोड़ होगा तो जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए निकाला जाता है द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण, आप उसी को उपयोग करके इस तरह के फॉर्म में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।